हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे श्रीलंका के बारे में। आज हम श्रीलंका को थोड़ा सा और समझेंगे। इससे पहले हमने दो केस स्टडीज देखे हैं, एक बेल्जियम की और ये दूसरा श्रीलंका का चल रहा है ना। और श्रीलंका की जब हम ये केस स्टडी पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट का जो रीजन है, वहां पर दो तमिलियन ग्रुप है। एक तमिलियन ग्रुप का क्या नाम है, एक तमिलियन ग्रुप है श्रीलंकन तमिल और एक है इंडियन तमिल, है ना। और है मुस्लिम और सिन्हाला। सिन्हाला किस कम्युनिटी से होते हैं, ये जनरली बुद्धिस्ट होते हैं, है ना, यानी बुद्ध समुदाय को मानते हैं। और ये जो श्रीलंकन तमिल है और ये जो इंडियन तमिल है, इसमें कुछ हिंदू होते हैं और कुछ मुसलमान भी होते हैं, यानी मुस्लिम भी होते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने बात कर दिया था कि ये श्रीलंका की जो है एथनिक कम्युनिटीज है, ठीक है। देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। आप बताइए कि भारत जो है वो कब आजाद हुआ, ये लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। भारत कब आजाद हुआ और पाकिस्तान कब आजाद हुआ, इसको लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और बाद में दीजिएगा, लास्ट में जब मैं पूछूंगा, ठीक है। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। यानी जो वहां पर सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने अपने डोमिनेंस को सिक्योर करने के लिए सरकार की, यानी जो मेजोरिटी है उसके आधार पर सरकार बनाने का फैसला किया। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुन के आई, उसने किसको सुप्रीमेसी किसकी सुप्रीमेसी ऊपर रखी, वो है सिन्हाला कम्युनिटी की। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। गिव मी अ सेकेंड। सिन्हाला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। एंड दीज थिंग्स हैपन जस्ट बिकॉज डिसरिगार्डिंग ऑफ तमिल। ओके, क्योंकि वहां पर बहुत सारे तमिल बोलने वाले लोग थे तो वो उनको डिसग्रेड करना चाह रहे थे, तो उसको करने के लिए उन्होंने सबसे पहला जो स्टेप उठाया वो स्टेप क्या था कि उन्होंने जो तमिलियन लैंग्वेज है उसको जो है उसके बजाय सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की बना दी, ठीक है। देखिए, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। देखिए, अब एक ही देश में ये चार अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन जो यहाँ पर गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दी और कहा कि जो यूनिवर्सिटीज में और जॉब्स में जो रिजर्वेशन मिलेगा वो किसे मिलेगा, सिन्हाला कम्युनिटी को। देखिए, होता क्या है, हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन मिलता है किसको मिलता है, उसको मिलता है, मान लीजिए एससी को रिजर्वेशन मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वो जो हमारे सोसाइटी रूप से, यानी सोशल रूप से और सोशल रूप से एजुकेशनल रूप से ये हमेशा से पिछड़े रहे हैं। और हमारे यहाँ कुछ सो कॉल्ड जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय ये सारे लोग आते हैं, इन्होंने ही जो ये सारी चीजें रही, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र रहे हो या समाज का जो एक समाज के जो लाभ लेने वाली चीजें थी, इन सभी का लाभ इन्होंने ही लिया। तो जो एससी और एसटी कम्युनिटीज थी या ओबीसी कम्युनिटीज थी, इनका जो विकास होना था, डेवलपमेंट होना था, वो हो नहीं पाया। देखिए, बहुत सारे लोग विरोध करते हैं रिजर्वेशन का, है ना। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊं। देखिए, रिजर्वेशन का जो लोग विरोध करते हैं, या तो वो रिजर्वेशन के बारे में जानते नहीं है, या वो जानते हैं तो वो समझना नहीं चाहते हैं। देखिए, आपको एक स्पष्ट और छोटे शब्दों में बताऊं तो जो सो कॉल्ड ब्राह्मण्स हैं या सो कॉल्ड जो क्षत्रिय हैं, ये अपर कास्ट के लोग, इन्होंने लगभग 3000 साल तक एजुकेशन पर और जो उस समय जितने जॉब्स थे उन सभी पर अपना अधिकार रखा। और ये केवल ये बात 3000 साल तक की है कि उन्होंने लगभग 3000 साल तक एजुकेशन में और इन सब चीजों पर, जॉब्स में, इन सब पर अपना अधिकार रखा। लेकिन जब बात अभी 70 साल की है कि केवल 70 साल हुए रिजर्वेशन को, है ना, और 70 साल में ही लोगों को ये महसूस होने लगा कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये क्या करता है कि ये बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी क्रिएट करता है। लेकिन जब ये रिजर्वेशन पिछले 3000 सालों में था, तब इसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। और अभी हमारा जो एसटी और एससी कम्युनिटी है, ये वाकई काफी पिछड़ा हुआ है। हाँ, इसको जो है रेशनलाइज करने की जरूरत है कि इसको जो है तार्किक कर दें कि मतलब जो लोग एससी और एसटी कम्युनिटी में भी अब ठीक ठाक सोशल स्टेटस पा चुके हैं और ठीक ठाक उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन है, ठीक ठाक उनको उनके एजुकेशनल कंडीशन है, उनको जो है
उनको इस रिजर्वेशन के दायरे से बाहर कर देना चाहिए, जो कि सरकार इसको ये काम करेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है जनता की वोट, है ना। तो जनता का वोट लेना है तो ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है ये कभी हो पाए, ठीक है। तो रिजर्वेशन का ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। तो यही रिजर्वेशन क्या किया, वहां पर सिन्हाला कम्युनिटी को दे दिया गया श्रीलंका में, और सिन्हाला कम्युनिटी को एजुकेशन और जॉब्स में ये दिया तो गया, लेकिन ये बाकी देशों में किसको दिया जाता था, जो माइनॉरिटी में होते थे, या जो जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ या जिनका विकास नहीं हुआ, जो सोसाइटियल रूप से ऊपर नहीं उठ सके, उनको दिया जाता था, ठीक है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और अब देखिए, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं और जो इंडियन तमिल्स हैं, इनका जो मेन रिलीजन है वो हिंदू या मुस्लिम है, लेकिन जो श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके आधार पर ये कहा गया कि सरकार जो है प्रोटेक्ट करेगी ये जो सिन्हाला कम्युनिटी का धर्म है बुद्धिज्म, केवल इसी को, ठीक है, वो हिंदुज्म या इस्लामियत को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उन्होंने एक हिसाब से अपना जो है राजधर्म बना लिया, यानी स्टेट का एक धर्म सा बना दिया ये कहकर, ठीक है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमंग इन द श्रीलंकन तमिल्स। तो ये जो लगातार ग्रेजुअली ये चीजें श्रीलंकन गवर्नमेंट ने की, इससे जो श्रीलंकन तमिल्स थे या जो इंडियंस तमिल थे, तमिल्स थे, उनके अंदर अंदर ये बात जो है आने लगी कि हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। दे फेल्ट, और आप बात ये ठीक है, आप इंडियन तमिल को ना दो कोई बात नहीं, लेकिन दोज हु आर हुज नेटिव इन श्रीलंका, यू हैव टू गिव देम एवरी फैसिलिटी, व्हाट एवर यू आर गिविंग टू what you are giving to Sinhala community, at least they are your own peoples, so at least you have to give them all facilities, but you are discriminating Sri Lanka, also Sri Lankan Tamils, including Indian Tamils. But they felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and the and culture. अब ये जो Sinhala community है ना, ना तो ये cultural रूप से बहुत sensitive है और ना ही इनकी भाषा को बहुत खतरा है। अब आप एक बात सोचिए, जहां पर 74% लोग हैं और 74% बुद्धिज्म को मान रहे हैं, है ना, अब बुद्धिज्म को मान भी रहे हैं और जो उनकी सिन्हाला लैंग्वेज है वो उसी को चला रहे हैं, तो कहां से इसको जो है संरक्षण देने की, इसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। प्रोटेक्शन तो उसको दिया जाता है ना जो कि कमजोर हो, है ना, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत हो, जिसका डेवलपमेंट ना हो पाए उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन आप प्रोटेक्शन दे किसको रहे हो, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और आप केवल ये सब क्यों कर रहे हो, केवल कारण ये है कि मेजोरिटी में जो लोग हैं वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सिन्हाला कम्युनिटी से, ठीक है। ये एक छोटा सा रीजन है वहां पर जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बनी उसके बारे में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें मुझे लग रहा है ऊपर भी कुछ है क्या, गिव मी अ सेकंड। हाँ, यहाँ पर एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। सो जो श्रीलंकन तमिल्स थे एंड उनके भी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू उनके पॉलिटिकल राइट्स से उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया, और जॉब्स में तो ऑलरेडी किया ही गया, और फिर जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी उन सभी से इन बिचारों को इग्नोर कर दिया गया। एज अ रिजल्ट दैट द रिलेशंस बिटवीन, गिव मी अ सेकंड, द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल्स कम्युनिटीज स्ट्रेन ओवर टाइम। और इसी कारण से क्या हुआ कि जो मेजोरिटेरियन लोग हैं, यानी जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं उनसे, और मेजोरिटी के जो लोग हैं, ठीक है, उनसे और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनमें, इन दोनों लोगों में क्या हुआ, एक विवाद सा छिड़ गया, एक युद्ध सा छिड़ गया, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए था। अगर इसको जो है आराम से, ये जैसे हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कितना प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी लोगों को अधिकार देता है, ये बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पर केवल मेजोरिटी को राइट है, यहाँ पर जितने राइट मेजोरिटी के लोगों को नहीं है उससे कहीं ज्यादा राइट माइनॉरिटी के लोगों के हैं, ये आपको जान के आश्चर्य होगा, ठीक है। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया अपना वीडियो, और अब हम आगे देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। सो थैंक यू क्लास।